संजय के पास लेकर चलते हैं। संजय, एक बात जरूर कहनी होगी कि ये मजदूर जो हैं, ये अपना हौसला बढ़ाकर जिस तरीके से बैठे हैं, इस बात की तारीफ जरूर करनी होगी। और मुझे लगता है ये मजदूर ही हैं जो इस तरीके से खुद को वहां पर खड़ा रख सकते हैं, क्योंकि जिन विषम परिस्थितियों में वो काम करते हैं या जिस तरीके का उनका बिल्ट होता है। संजय, निश्चित रूप से ये जीवटता इन्हीं श्रमिकों की है। आप खुद सोचिए कि 4.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है जो बलकोट से लेकर के और दूसरी तरफ जो इसका हिस्सा है वो खुलता जाकर के सिल्क्यार में, 4.5 किलोमीटर की इतनी बड़ी टनल सोचिए बना रहे हैं ये मजदूर। इनकी जीवटता का अंदाज़ा लगाइए, 9 दिन बीत चुके हैं, 10वां दिन है आज और 10 दिन लगभग मान के चलें अगर होने को हैं तो उस उन इतने बड़े समय में भीतर फंसे हुए इन श्रमिकों के हालात आप सोच सकती हैं, कल्पना ही कर सकती हैं, केवल पूजा एहसास नहीं कर सकती, क्योंकि एहसास तो वो श्रमिक कर रहे हैं जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं वो कर रहे हैं। कितनी मुश्किलें पेश आ रही होंगी, 10 दिन से उन्होंने खुला आसमान नहीं देखा होगा, धूप नहीं देखी होगी, उनके रिश्तेदार नातेदार परिवारजनों का चेहरा नहीं देखा होगा, उनसे बात नहीं की गई होगी अब तक, तो उनकी मनोभाव को समझ सकती हैं। बावजूद उसके ये उनकी जीवटता है जो अब तक डटे हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं, जिंदगी जिंदाबाज का नारा लगा रहे हैं। तो अब कोशिशें जारी हैं, जैसा कि दीपक रावत हमारे सहयोगी बता रहे थे कि लगातार जो टेक्निकल डिटेल्स उन्होंने दी कि लगातार काम जारी है और बहुत जल्द इस सुरंग के भीतर वो स्थान पर पहुंचा जा सकेगा जहां पर ये 41 श्रमिक फंसे हुए हैं और उनको निकालने का काम जल्द से जल्द शुरू होगा। बिल्कुल संजय, सभी यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं। और बिल्कुल मैं वापस से संजय आपके पास आ रही हूँ, अंकित संजय के बाद आपका रुख भी करूंगी, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक ग्राफिक्स के जरिए नया रास्ता समझाने की कोशिश करेंगे कि इन 41 जिंदगियों को बचाने का नया रास्ता क्या है, किस तरीके से इस नए रास्ते के प्लान को तैयार किया गया है। देखिए, सबसे पहले 150 मीटर ऊपर जो है वो मार्किंग की जाएगी, फिर उसके बाद दो तरह की ड्रिलिंग होगी। देखिए, 8 इंच चौड़ा पाइप वहां पर इंस्टॉल किया जाएगा और उसके बाद वहां से खाना पानी और दवा की सप्लाई की जाएगी। ये बहुत राहत की बात है। देखिए, ऑक्सीजन सप्लाई भी होगी। उसके बाद टनल में कैमरा भेजे जाएंगे ताकि उन कैमरों के जरिए नजर रखी जा सके कि वहां पर मजदूर किस अवस्था में है, अंदर की स्थिति को जाना जाएगा कि अंदर किस तरीके की परिस्थितियां हैं, क्या क्या जरूरतें हैं। तो अंदर की स्थिति जानने के बाद तस्वीरों से टनल की मैपिंग भी की जाएगी, टनल में कैमरे भेजेंगे, उसके बाद यहां पर एक वर्टिकल ड्रिल की जाएगी। ये नया रास्ता है, नया प्लान है ये, जिसमें 100 से 120 मीटर तक की वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जाएगी, 900 मिलीमीटर के पाइप्स अंदर इंस्टॉल किए जाएंगे, उसके बाद जो लोग हैं वो बाहर निकल सकेंगे और इसी का इंतजार है। देखिए, कब ये 41 जिंदगियां बाहर निकलेंगी, इसी का इंतजार लगातार बना हुआ है। ग्राउंड जीरो पर हमारे 3 सहयोगी आपको लगातार नजर आ रहे हैं जो आप तक हर तस्वीर हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।